solar carport to help mall cut carbon footprints. The article is about a series of solar panels that have been erected on the rooftop of a mall, that is Unity One Mall, just adjacent to Rohini West Metro Station. So I'll read it about this very good article. The country's first rooftop solar carport was inaugurated at a mall in Rohini on Monday. The solar plant, which has come upon the rooftop of a parking space at Unity One, can generate 300 kilowatt of electricity daily and will meet 80% of the mall's daily needs, significantly reducing its carbon footprint. The plant, jointly developed by Tata Power Delhi, DISCOM and Tata Power Solar, will help the mall save rupees 50 lakh annually on electricity bills. So, to tell you, my friends, Unity One is a mall. Just opposite to Rohini West Metro Station, and it has around 35 shops, among which we have Cinepolis, Cinema Hall, Bikaner, then there are various garment brands, and as the article says, 80% of its electricity will come from this solar panels. And Unity One जो mall है, Rohini West Metro Station के just opposite side पे है, इसमें करीब 35-40 दुकानें हैं, जिनमें से एक Cinepolis सिनेमा हॉल है, जिसके तीन ऑडीज हैं शायद, और बीकानेर है, एक बियर कैफे है अच्छा सा, और बहुत सारे गारमेंट के ब्रांड्स हैं ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें क्रोमा का, टाटा क्रोमा का इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जाइंट है वहाँ पर, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स हैं, और उसके ऊपर 2-3 मंजिला पार्किंग स्टेशन है। पार्किंग इसलिए क्योंकि वहाँ से आप गाड़ी पार्क कीजिए और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन चले जाइए। बहुत ही अच्छा मॉल है। द प्लांट जो है वो टाटा पावर और टाटा पावर सोलर ने मिलकर बनाया है। 80% जो मॉल की बिजली है वो इसी से आएगी। द इनिशिएटिव इज सेट अप एज ए पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इज इन लाइन विद द क्लाइमेट चेंज एजेंडा फॉर दिल्ली एंड नेशनल सोलर मिशन। व्हाइल इनॉग्रेटिंग द पावर प्लांट, पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स टवर्ड अडॉप्टिंग सोलर पावर एंड रिट्रेटेड दिल्ली गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टवर्ड्स प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर पावर। ठीक है, एज यू कैन सी this is a rooftop of a mall. Already ground floor, second, third, fourth way तो already parking है। अभी बिल्कुल top floor पे भी parking का अगर ये बन जाएगा, जैसे कि चालू हो गया, तो और भी अच्छी बात है। And attained break even on investment in 5 years. अब जो solar panel लगाए हैं, खर्चा हुआ है, और कहते हैं कि 5 साल जो इसकी सेविंग होगी ना, 5 साल में इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। द प्लांट इनेबल्स द मॉल टू रिसीव ए रियल वैल्यू ऑफ एनर्जी बाय अर्निंग ऑन अनयूज्ड सोलर इलेक्ट्रिसिटी। इट आल्सो कट डाउन द नीड टू इंस्टॉल ए सेकेंड मीटर और एन एक्सपेंसिव बैटरी स्टोरेज सिस्टम एज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोकल पावर ग्रिड। द रूफटॉप प्लांट विल हेल्प अस मीट ए मेजर अमाउंट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू ग्रीन एनर्जी, सेड हर्षवर्धन बंसल, डायरेक्टर ऑफ द यूनिटी ग्रुप। At the inauguration, Ravir Sina, CEO MD of Tata Power, said, "We have been an active participant for the promotion of solar energy in the country. The launch of this carport plant aims to encourage the adoption of solar power among our commercial consumers. Having large rooftop spaces for installation, the DISCOM," he added, "will contribute its effort to toward enhancing the use of solar power and contributes to our national solar mission, which aims to establish India as a global leader in solar energy." So the whole purpose of reading this article is, now the solar energy is quite cheap, as in this case, जैसा कि बताया गया है कि जो investment हुई है 5 साल में recover हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, solar panel लगाने के बाद आपको
कॉस्टली कॉस्टली बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी सोलर एनर्जी आ रही है आपको उसको यूज़ कीजिए। अगर एक्स्ट्रा है तो जैसे कि बिजली घर से बिजली हमारे घर तक पहुंचती है ग्रिड के द्वारा, उसी ग्रिड में आप एक्स्ट्रा जो बिजली है वो डाल देते हैं, तो उससे आपको बैटरी का खर्चा बढ़ जाता है। और जो भी बिजली आप सोलर एनर्जी की ग्रिड को बेचते हैं उसके आपको पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। सो दिस कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू अदर मॉल्स एज वेल। अब दिल्ली में बहुत सारे मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, और कुछ घरों में भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब आने वाले दिन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ही हैं, बहुत बड़े फॉरेन कंट्रीज़ में, चाइना में, अब सोलर एनर्जी ही मेन एनर्जी रह गई है।